माध्यमिक शिक्षणेतर संघ सीतापुर की आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी व जिला मंत्री अनुराग मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज दिनांक 27 सितंबर को माध्यमिक शिक्षणेतर संघ सीतापुर की आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी व जिला मंत्री अनुराग मिश्र पतौंजा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपदीय संरक्षक श्री प्रकाश सिंह सहित जनपदीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में अशोक मिश्र द्वारा अध्यक्ष महोदय की दूरभाष वार्ता को संग्रहित करना निंदनीय कृत्य माना गया, जिसके लिए जनपद अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष आशादीन तिवारी जी से खेद प्रकट किया जा चुका है। परंतु अशोक मिश्र ने यह वार्तालाप क्यों रिकॉर्ड किया, इसका मूल कारण जानने की आवश्यकता है। जब सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कई जनपदों के जिला अध्यक्ष व मंत्रियों को फोन कर कोषाध्यक्ष प्रत्याशी अशोक मिश्र को वोट न करने की बात कही, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। माननीय अध्यक्ष जी को निष्पक्ष होना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदाई वेला में भी पक्षपात करके व्यक्ति विशेष के प्रति मोह के कारण निष्पक्षता से कार्य करने में असमर्थ रहे। माननीय अध्यक्ष जी वर्ष 2000 में संगठन के प्रदेश कोषा अध्यक्ष पर मुर्तजा हुसैन के स्थान पर आपका नाम प्रस्तावित किया गया था। उस समय से जनपद सीतापुर प्रतिपल आपके साथ रहा, वह आपके निर्देश पर कार्य करता रहा। जनपद सीतापुर सदा आपका सम्मान करता रहा है, परंतु आपका जनपद सीतापुर के प्रत्याशी का विरोध करना समझ से परे है। प्रांतीय चुनाव की घोषणा के पश्चात जनपद के साथियों से विचार विमर्श कर सभी के निर्देश पर अशोक मिश्र प्रांतीय कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुप पर अशोक मिश्र ने चुनाव घोषणा के 2-3 दिन बाद ही स्वयं को कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी होने की सूचना प्रसारित कर दी। नामांकन भी प्रथम दिवस में ही किया गया। अनूप द्विवेदी ने कोषाध्यक्ष पद हेतु पूर्व में अपनी इच्छा प्रकट की होती तो निश्चित रूप से जनपद सीतापुर उनके प्रस्ताव पर विचार करता। खेद का विषय है कि नामांकन के द्वितीय दिवस से प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा नाम वापसी का दबाव बनाने जाने लगा। जब प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष के पद हेतु व्यक्तियों के चयन के पूर्व ही किया जा चुका था, श्री अनूप द्विवेदी द्वारा ग्रुप पर दिनांक 12 सितंबर की पोस्ट से स्पष्ट हो चुका है, तो इन पदों पर चुनावी जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अशोक मिश्र प्रांतीय आय व्यय निरीक्षक के रूप में संगठन के प्रत्येक बैठकों व मंडलीय सम्मेलनों में प्रतिभाग करते रहे तथा विभिन्न जनपदों के शिक्षणेतर साथियों से निरंतर संपर्क में बने रहे। यही सक्रियता कुछ पद लोलुप लोगों को चलने लगी, जिसके कारण अशोक मिश्र की छवि धूमिल कर व्यक्ति विशेष को प्रस्तावित करने के उद्देश्य से ऑडियो वायरल करने का कुकृत्य किया गया। अशोक मिश्र ने ऑडियो टेप अवश्य किया था, परंतु उसको सार्वजनिक किसने किया यह विचारणीय है। कुछ चाटुकारी कार्रवाई व FIR करने की बात कही तो जिलाध्यक्ष अपने जनपद में किसी पीड़ित कर्मचारी की सहायता करने के स्थान पर यह कहने लगे कि समस्त कर्मचारी संगठन का सदस्य नहीं है। वह जिला अध्यक्ष जो कर्मचारियों के 50,000 डकारे बैठे हैं, वह उपदेश व ज्ञान बांट रहे हैं। उन सभी चाटुकार को खुली चुनौती है कि अशोक मिश्र के विरुद्ध FIR करा दें। यह संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटक कर संगठन होकर मात्र गिरोह बनकर रह गया है। जनपद सीतापुर संगठन में तो भागीदारी कर सकता है, परंतु किसी गिरोह का अंग नहीं बन सकता। जनपद के साथियों को संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराते हुए विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त गिरोह से अपने जनपद को पृथक कर लिया जाए तथा भविष्य में किसी भी प्रांतीय स्तर के गिरोह से न जोड़ा जाए। जनपद सीतापुर अपने अधिकारों की रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। मैं अजय त्रिवेदी वर्ष 1985 से संगठन से जुड़ा रहा, परंतु उपरोक्त पक्षपातपूर्ण घटना से व्यथित होकर दुखी मन से उक्त संगठन का बहिष्कार करता हूँ तथा जनपद सीतापुर को पृथक करने की घोषणा करता हूँ। भविष्य में उपरोक्त से जनपद सीतापुर का कोई संबंध नहीं रहेगा। आर्य चेतना न्यूज से अनुराग मिश्र की रिपोर्ट। प्रदेश की गतिविधियों से सभी को अवगत कराया है और उनसे राय मांगी है कि आगे क्या निर्णय लिया जाए। सभी ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि ऐसे किसी संगठन में जनपद सीतापुर सम्मिलित नहीं होगा जो केवल व्यक्ति विशेष पर आधारित हो। जनपद सीतापुर वर्तमान प्रांतीय संगठन जो श्री आशादीन तिवारी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है, उससे अलग होने की घोषणा करता है और भविष्य में किसी भी प्रादेशिक संगठन से संबंध नहीं रखेगा। अपने कर्मचारियों की समस्याएं हम लोग स्वयं अपने स्तर से निर्धारित कराएंगे, उसके लिए चाहे हम लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़े,
धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, सब कुछ किया जाएगा उसके लिए।